हाय किड्स, हाय सर। कितने बच्चे आप पोस्ट ऑफिस गए हैं? सब गए हो पोस्ट ऑफिस? यस सर। क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? सर जी, लेटर पोस्ट करते हैं। और डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी, वेरी गुड। ठीक है, अब आप पैसे जमा करोगे तो निकालोगे भी हुई, जैसे बैंक होता है ना वैसे पोस्ट ऑफिस भी है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? चिट्ठियाँ भी भेज सकते हैं। हैव यू एवर बीन पोस्ट ऑफिस? तो यहाँ पर क्या भरोगे? यस। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? तो ये आपको पता है कि वहाँ पैसे जमा करने के लिए जाते हैं या चिट्ठी पोस्ट करने के लिए हम जाते हैं। हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कॉस्ट? अब वो बोल रहे हैं कि एक पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है। एक पोस्ट कार्ड की कॉस्ट, एक जो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट है वो लगभग कितनी होती होगी? कोई गेस कर सकता है? बताओ। 25। कितना? 25। क्या पैसे? तो अगर 25 पैसे से मिलकर अगर हमें एक रुपया बनाने होते तो कितने पैसे चाहिए? 125। 100। नहीं, हाँ, तो मतलब 100 रुपए के लिए कितने पैसे से मिलकर बनेगा 100? 4। वेरी गुड। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? अब एक तो होता है पोस्ट कार्ड और एक होता है इनलैंड लेटर, अंतरदेशी बोलते हैं जैसे हिंदी में। तो अंतरदेशी की कॉस्ट कितनी होती है वो आपको, आप गैस करो जरा कितनी हो सकती है। अंतरदेशी थोड़ी सी बड़ी होती है। चलो आप बोल रहे हो 50। क्या पैसे? अब देखो, अब यहाँ पर एक्चुअल रेट्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के रेट हैं। अब देखो पोस्ट ऑफिस के रेट के हिसाब से एक जो सिंगल पोस्ट कार्ड है वो कितने रुपए का है? 50। क्या पैसे? प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कितने का है? 6 रुपए। इनलैंड लेटर जो अंतरदेशी है वो कितने का है? 2.50। मतलब 2 रुपए और 50 पैसे। अब देखो लेटर वेइंग, अब देखो लेटर वेइंग के कुछ रेट्स हैं। लेटर वेइंग का मतलब है कि जब आप चिट्ठी लेके अपने कहाँ जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, पहले उसको तोलेंगे, तोल के आपसे पैसे लेंगे और तो वो उस पर टिकट लगाएंगे और फिर उसको सेंड करेंगे। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जब आप किसी लेटर को लेके जाओगे अगर वो 20 ग्राम से कम का है तो कितने रुपए लेगा वो आपसे? 5। 20 ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम भी होगा तो भी 5 रुपए पड़ेंगे, 20 ग्राम भी होगा तो 5 रुपए पड़ेंगे ही। उसके बाद हरेक एक्स्ट्रा 20 ग्राम पे वो कितने कितने रुपए चार्ज करते रहेंगे आपसे? दो रुपए करते रहेंगे। माना 90 ग्राम है तो 20 ग्राम तो 5 रुपए हो गए और बाकी 70 ग्राम के कितने हो गए? 20 60, 3 और 4, 80 के हिसाब से वो आपसे 8 रुपए और ले लेगा। ठीक है, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। वैसे देखो पार्सल के भी रेट्स हैं। पार्सल के रेट में देखो 50 ग्राम कितने का पड़ेगा? 5 रुपए का। और उसके बाद एक्स्ट्रा हरेक एक्स्ट्रा 50 ग्राम पे वो कितने रुपए चार्ज करते रहेंगे आपसे? 3 3 3। अब देखो कैसे होगा, यहाँ से इस क्वेश्चन से पता चलेगा। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन लेटर वेइंग 50 ग्राम्स? अब वो बोल रहे हैं एक लेटर है जिसका वेट कितना है? 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम का ये हमारे पास क्या है? एक लेटर है। तो 50 ग्राम के लेटर के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे इसके हिसाब से देखो। अब देखो 50 को हम ब्रेक कर सकते हैं 20, इस 20 के कितने पड़ने हैं? 5। वेरी गुड। इस 20 के पड़ गए 5। अब कितने बचे हैं इसमें और? 30। अब फिर इसको 20 लिख लो, हर एक 20 पे 2 पढ़ने हैं ना, तो 20 प्लस कितना हो गया? 10। इस 20 के कितने पढ़ने हैं? 2। और इस 10 के कितने पढ़ने हैं? 2। पढ़ने 2 ही हैं तो टोटल कितने हो गए? 7। 9 रुपये। तो 9 रुपये पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब आकाश क्या करना चाहता है, अपनी मैथ मैजिक बुक भेजना चाहता है रानी को चेन्नई में, जिसका वेट कितना है? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अब आपको ये बताना है। अब देखो अब इस 200 ग्राम को पहले हम सबसे पहले 50 ग्राम पे कितने देने हैं हमने? अब पहले 200 ग्राम को पहले 50 ग्राम में तोड़ लो। 50 प्लस कितना? 5। अब देखो इस 50 के कितने पड़ गए? 5 पड़ गए। अब कितना बचा इसमें? 150 और बचा है ना। अब इस 150 के हिसाब से अब 150 हर एक 50 ग्राम पे आपको कितने रुपए देने हैं? 3। तो ये 50-50 मिल गए, कितने हो जाएंगे इसमें बताओ? 3। हाँ 3, तो 3 3 9 रुपए हो गए। टोटल कितने हो गए? 14 रुपए। 14 रुपीज पढ़ने हैं उसको। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वाला। रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। अब देखो जब उन्होंने चिट्ठी रखी पोस्ट ऑफिस में तो उनके पास एक ऐसा तराजू है, अब बताओगे कितना वेट था उसका? 225। क्या किलोग्राम? नहीं, ग्राम। अब 225 ग्राम को वो बोल रहे जो पार्सल था ये 225 ग्राम का, इसके लिए हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब रुक जाओ, अब देखो 225 को पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है,
सबसे पहले जो 50 ग्राम होता है उसके कितने पैसे पड़ते हैं? अब देखो ये है 50, 50 के कितने पैसे पड़ते हैं? अभी तो हमने देखा था 5 रुपए पड़ते हैं, तो ये हो गया 5। अब कितना बचा है इसमें इस 225 के हिसाब से? 175 और बचा हुआ है अभी। अभी तो 85 ग्राम के दिए ना हमने 5 रुपए, अब इस 175 को ब्रेक करना पड़ेगा कितने कितने में? 50 + 50 + 50 + 25 और 175। अब देखो इस 50 के तो 5 पड़ गए, इस 50 50 50 इनके कितने पड़ने हैं? तीन। इसके तीन। इसके तीन। इसके तीन। कितने हो गए टोटल? 17। 3 चौको 12 और 5 17 रुपए। क्लियर है yes, या नहीं है? yes,